आपके साथ मुलाकात की, बातें होंगे, वहाँ जो मेरे आदर्श हैं भगवान बुद्ध जिन पर मैंने ये पुस्तक रची है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माननीय फुले जी, मित्रों आज ये अवसर है। अभी हमारे संचालक जी ने कहा था और एक और वक्ता ने कहा था कि जरूरत है कि हम आपके साथ साथ पिछड़े समाज के लोगों को भी जोड़े। मैं उसी पिछड़े समाज से आता हूं और गर्व करता हूं अपने उन महापुरुषों पर जिन्होंने हमने पशुवत जीवन से मनुष्य का जीवन दिया। आज हम समझते हैं कि हम बराबरी के साथ जी रहे हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो। जरूरत है कि हम पाखंडों से बचे, दकियानुसी विचारों से बचे, वरना ये आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं। केवल 2000 शाखाओं से 24000 शाखाएं हो गई, ये आपको दबाने का संयंत्र है। ये सरकार जो आरएसएस का बच्चा है, उसकी पोसी हुई सरकार है, इसका ये कई संयंत्र है कि बहुजनों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, आरक्षण से वंचित किया जाए, उनको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ले जाया जाए, धर्म और पाखंड में फंसाया जाए। सच तो यह है कि इस मंच पर जो उपस्थित लोग हैं, हमारे सामने जो मित्र बैठे हुए जाने, मैंने तो देखा है, आप केवल इतने बैठे उतना ही नहीं देखिए, हिंदुस्तान को देखिए। मैं एक साइट को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, बहुजन के लोग, हमारे इस दलित वर्ग समाज के लोग ज्यादा चूझे हुए हैं। बुद्ध का नाम मैं जब लेता हूँ, जब मैं पुस्तक रचना शुरू की तो मेरे अपने ही लोगों ने खड़ा कर दिया, भाई क्या तुझे बुद्ध के बारे में लिखने जा रहे हो, मैं क्या लिखूंगा, मेरी क्या औकात है, बुद्ध तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उन्होंने भगवान अपने को नहीं कहा, भगवान एक टीका चंदन वाले कर रहे हैं, जनेऊ वाले कर रहे हैं, जो हमको जनेऊ के पास में बांध कर अंधकार में धके देना चाहते हैं। इस अंधकार से अगर मुक्ति पानी है तो बुद्ध के शरण में जाना होगा। बाबा साहब मैं गर्व करता हूँ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा उसका नाम है भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। उस विद्यालय विश्वविद्यालय का मैंने देखा, गर्व से देखा। मित्रों ये पुस्तक आपके सामने है, थोड़ी सी पुस्तक मैं लेकर आया, लेकिन ये पुस्तक आपके सामने जाएगी, आप देखेंगे मेरे बुद्ध के विचार को इसमें किस तरह से रखने की कोशिश की है। इसके लिए कोई चंदा नहीं लिया, जो मेरी अपनी कमाई, एक शिक्षक मैं हूँ, जो मेरी कमाई उससे मैंने पुस्तक छपवाई है और इसको मैं केवल चाहता हूँ कि आपके बीच में जाए। अगर बुद्ध की महानता 10, 20, 100, 150 लोगों तक भी पहुंचा सका तो मैं अपने को धन्य समझूंगा और मेरी लेखनी भी धन्य हो जाएगी। लेकिन जरूरत है कि आप इन महापुरुषों को याद करें और आरएसएस वालों के खतरों से, सरकार के खतरों से बचे। धन्यवाद। इतना ही।